दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कनाडा में कितने सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स चालू हैं जिनके जरिए जो है आप आराम से कनाडा में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। फिर भले ही वो एक्सप्रेस एंट्री हो या फिर अलग अलग टाइप के प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हो दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है हमेशा टेम्पररी फॉरन वर्कर्स को या फिर फॉरन वर्कर्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अपने कंट्री में बुलाती है, बोलती है आओ हम बेनिफिट्स देंगे, हम अलग अलग टाइप के आपको जॉब्स देंगे, पीआर देंगे, आपको जो चाहिए वो देंगे, बस हमारी कंट्री में आओ और जो लेबर शॉर्टेज हो रही है उसको खत्म करो। और उन्हीं प्रोग्राम्स में से एक है दोस्तों टेंपरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, जिसको हम लोग TFWP भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए दोस्तों वहां के एम्प्लॉयर्स जो हैं टेंपरेरी वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कनाडा के बाहर किसी भी कंट्री से वो बंदों को चुन सकते हैं, बंदे उठा करके अपनी कंपनी के अंडर जो है एम्प्लॉय के तौर पर रख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं सपोज, और उस कंपनी के एम्प्लॉयर के पास LMIA नहीं है, तो भैया वो LMIA अप्लाई करके जो है टेंपरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर आपको हायर कर सकता है। तो आज मैं जिस तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिन जॉब्स के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये जॉब्स ऐसी हैं, ये तरीका ऐसा है जिसमें आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो जॉब्स अवेलेबल है उन जॉब्स के लिए एम्प्लॉयर ने या तो LMIA के लिए अप्लाई कर लिया है या तो ऑलरेडी LMIA ले लिया है। तो इसीलिए दोस्तों आज जिस वेबसाइट पे आपको लेके जाने वाला हूं, यहां पर आपको वैसे ही जॉब्स मिलेंगी जिन जॉब्स के लिए आप इजीली और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी झोलझाल के। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि भैया इस कंपनी में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, इस कंपनी में क्या अप्लाई कर सकता हूं, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जिस वेबसाइट पर लेके जाने वाला हूं दोस्तों, यहां पर सिर्फ टेंपरेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए जो है, फॉरेन वर्कर्स के लिए जो है दोस्तों जॉब्स पोस्ट की जाती है। टेंपरेरी फॉरेन प्रोग्राम के अंडर आप जाना चाहते हैं, आपको आराम से जॉब मिलेगी दोस्तों, आपको हर टाइप की जॉब मिलेगी, आपको यहां पर स्किल्ड जॉब्स भी मिलेंगी, आपको हायर लेवल की जॉब्स मिलेंगी, लो लेवल की जॉब्स मिल जाएंगी, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जॉब्स है, फ्रेशर के लिए भी जॉब्स है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जॉब्स है, नहीं है तो जॉब्स है, मतलब आप हर तरीके से वहां जा सकते हैं दोस्तों। अगर अंग्रेजी आती है तो ठीक है, फ्रेंच आती है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने जॉब सर्च को फिल्टर भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए ले चलता हूं आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां से आपको बताता हूं कि कैसे आप टेंपरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर जॉब सर्च कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर आप टेंपरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर जॉब्स ढूंढना चाहते हैं, वो भी कनाडा में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर सर्च करना है jobbank.gc.ca, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। जॉब बैंक की वेबसाइट पर जाओगे, आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा टेंपरेरी फॉरेन वर्कर्स। आप देखोगे ऊपर, तो ऊपर भी आपके पास जो है जॉब सर्च करने का ऑप्शन है, लेकिन हमको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके टेंपरेरी फॉरेन वर्कर्स वाले मतलब ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड अ जॉब इन कैनेडा, सर्च जॉब्स फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हु वांट टू रिक्रूट टेंपरेरी फॉरेन वर्कर्स, दिस एम्प्लॉयर्स हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड और अप्लाइड फॉर अ लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, ऑलरेडी या फिर अप्लाई कर दिया है या तो गेन कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए अब जॉब कौन कौन सी है, जनरल लेबरर, फूड सर्विस काउंटर यानी कि वेटर वगैरह की जॉब है, किचन मैनेजर, वेबसाइट डिजाइनर, मटेरियल हैंडलर, मशीनिस्ट, किचन हेल्पर, कुक, किचन मैनेजर, फार्म फोरमैन, वुमेन और कुक वगैरह की जॉब, ट्रक ड्राइवर वगैरह के आप जॉब देख सकते हो, बहुत सारी जॉब्स है। सपोज आप यहाँ पर जनरल लेबरर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जॉब पे क्लिक करना है। जॉब पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देख सकते हो सारी की सारी जानकारी मिल गई है। ओलिवर BC में ये जॉब है, 40 से 50 घंटे की जॉब होगी आपकी, हफ्ते में 4 वैकेंसीज अवेलेबल है, वेरीफाइड जॉब है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि भैया एम्प्लॉयर ने LMIA के लिए अप्लाई करने के लिए मतलब ले रखा है, ठीक है, जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई में एक ईमेल आईडी दी गई है दोस्तों, ईमेल आईडी पे क्लिक करके आपको बस अपना CV और कवर लेटर सेंड करना है। ये ईमेल आईडी जो भी है आपको सेम प्रोसेस मिलेगा बाकी की सारी जॉब्स के लिए भी, किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर भले ही वो कुक के जॉब हो, मशीनिस्ट के जॉब हो, फार्म वर्कर की जॉब हो, किसी भी टाइप की जॉब हो, आपको अप्लाई करना है तो CV और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी और इजीली पड़ेगी दोस्तों। आप इजीली जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं CV और कवर लेटर के जरिए। देखिए क्लीनर की जॉब भी अवेलेबल है, बुककीपर की जॉब अवेलेबल है, सपोज अभी कोई और जॉब के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं, सो प्रोडक्शन लेबर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते सारी की सारी जानकारी है। 30 से 40 घंटे की आपकी नौकरी होने वाली है, शिफ्टों की नौकरी होने वाली है, शिफ्ट भी किया जा सकते हैं, 20 वैकेंसीज अवेलेबल है और LMIA ले लिया है एम्प्लॉयर ने। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एजुकेशन की जरूरत है यानी कि 12th अगर पास है तो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, सारी की सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसी पेज पे।
आपको हैवी वेट उठाना है और सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है आपको इस कंपनी के अंडर जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट की है, और वहीं पर हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगी, सनी आप देख सकते हैं जो भी है, अब मैं पढ़ नहीं पाया इतनी जल्दी। तो आप जो है दोस्तों इसी तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर भले ही आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, कम एजुकेशन वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, ज़्यादा एजुकेशन वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, वेबसाइट डेवलपर की भी जॉब अवेलेबल है, साइट डिज़ाइनर की भी जॉब अवेलेबल है, कुक की जॉब अवेलेबल है, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपको CV और कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे आपको CV और कवर लेटर ही सेंड करना है दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है और आसान तरीका है दोस्तों अप्लाई करने का, आपको बस एक ईमेल आईडी पे CV और कवर लेटर सेंड करना है। और आपको मैं बता दूं कि आपको पेशेंटली जो है ये काम करना है, अगर आप किसी कंपनी में CV और कवर लेटर सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको ऐसे इरिटेट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि अरे मैंने इतनी सारी कंपनीज में CV कवर लेटर सेंड कर दी, मेरे को रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है हायरिंग करने का, जब तक वो क्लोजिंग नहीं होगी, जब तक क्लोजिंग डेट नहीं आएगी उस जॉब की, तब तक वो CV कवर लेटर चेक नहीं करेंगे। क्लोजिंग डेट कि जब सारे CVs आ जाएंगे, सारे applications आ जाएंगे, तब उसके बाद वो लोग चेक करना चालू करते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आज अप्लाई किया, आज अप्लाई करने के बाद कल ही रिस्पांस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, इरिटेट मत हो जाओ, ना ही इरिटेट करो किसी को, अगर आप किसी से अप्लाई करवा रहे हो तो प्लीज उसके जान के पीछे मत पड़ जाओ कि अरे सर मेरा रिस्पांस कैसे नहीं आया, आ जाएगा भाई। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो रिस्पांस आ जाएगा, नहीं होगे तो नहीं आएगा रिस्पांस। आपसे भी अच्छे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि आपसे अच्छे कैंडिडेट ने सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई हो, तो इसीलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखो, ठंड पाओ। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैनेडियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर लगने वाला है, कैनेडियन फॉर्मेट का CV अगर आप खुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं बना सकते दोस्तों तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों, और अपना CV और कवर लेटर बनवा कर तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।